ममता यादव और आप सभी का स्वागत है चुनावी चौपाल में। और इस वक्त मैं टोहाना के ढाणी साचला गांव में हूं। तो चलिए जानते हैं यहां के लोगों से कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहां गांव में क्या माहौल है, के गांव की क्या समस्याएं मानते हैं। हमारे गांव में सारी समस्या, पानी नहीं आता और क्या समस्या है, सड़क है या फूटी पड़ी है, कोई गाँव में कॉलेज भी नहीं बनवाया है, बस ये 10 का स्कूल है। मौजूदा विधायक सुभाष बराला जी हैं, 5 साल हो गए उन्हें। हाँ, तो आपको क्या लगता है काम किए उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं किया। अब विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है दोबारा उन्हें आना चाहिए किसी नए बंदे को आना? नए बंदे को आना चाहिए। तो बराला जी के कामों से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं। आप भी इसी गाँव से? हाँ जी। आपके गाँव की समस्या क्या मानते हैं? समस्या तो सारी समस्या है जी, स्कूल की पहले नंबर तो स्कूल है, मैट्रिक तक है, 2 तक होना चाहिए जितनी गांव की आबादी है उस हिसाब से। नंबर 2 वाटरवर्क्स की, वाटरवर्क्स एक है इतने बड़े गांव में, 2 वाटरवर्क्स बहुत ज़रूरी है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और जो गलियों का काम कुछ हद तक हुआ है, बाकी इतना नहीं जो होना चाहिए था। गाँव को गोद ले रखा, आदर्श गाँव बनाना चाहते थे अभी। अच्छा, तो इस गाँव को गोद ले रखा है, किन्होंने लिया है गोद? सुभाष बराला जी ने। तो गोद लेने के बाद भी काम नहीं हुए इस गाँव? काम नहीं हुए, आदर्श गाँव बने नहीं। क्या चाहते हो आप, दोबारा फिर से वही आए या फिर कोई और? नहीं, नए चेहरे देखना चाहते। जैसे कि कौन? नहीं ऐसे। अच्छा। किसी का नाम क्यों? पर बराला जी इस बार नहीं चाहते आप लोग? नहीं चाहते हैं, क्योंकि दुआई तो है ही कौन अस्पताल में। हाँ। क्या के काम करना आप रहे अस्पताल में, लोड ही कौन रही, दुआई नहीं, पानी नहीं, लेना नहीं, देना नहीं। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो कि नाम नाम का अस्पताल है? नाम नाम। और शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा है ही कौन कम है, जब तू ताश खेल बैठा शिक्षा होती क्या खेला। आपका कहने का मतलब ये था कि ये है सब सही जो दिख रहा है आपको? बस ये सरकार ने काम नहीं किए 5 साल में? सरकार कदे ही गुन गया एन तो जमा ही गुन गया, पहले फिर भी ठीक चले ही, पानी पाता आ जान तो कम है। अच्छा। मौजूदा विधायक सुभाष बराला जी हैं। हाँ। और साथ ही साथ वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो आपको क्या लगता है उस नाते जो जिम्मेवारियां थी वो उन्होंने निभाई? बस छोड़ दीप गए। तो क्या आपकी बार आपके हाथ में ही वोट है, तो बराला जी को लाएंगे या भगाएंगे? भगाएंगे। भगाएंगे? हाँ। क्या कारण है? काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो भगाने की पूरी तैयारी में आप? फूल 24 तारीख को यानी कि कंफर्म हो जाएगा? हो जाएगा। इस बार विधानसभा चुनाव में बराला जी आएंगे या जाएंगे? अभी क्या कह सकते हैं, बराबर की टक्कर है जी, बबली की, बबली गिर रहे उसकी। अच्छा, आप टक्कर मानते हैं कि बराला जी को इस बार बबली जी टक्कर देंगे? क्या कारण है, किस वजह से लगा आपको? मतलब काम कम हुए हैं जी विकास के, थोड़े हमारे गाँव में खासकर। तो आपको बबली जी क्यों लगे कि वही टक्कर देंगे? नहीं, और है नहीं ना और दूसरा कोई साथ में, बबली ने मेहनत बहुत किया ना पहले। अच्छा, क्या मेहनत की उन्होंने? तो मेहनत बहुत की उन्हें, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, पिछले साल के लग रहे हैं लगातार। तो आप क्या चाहते हैं, बराला जी आए या बबली जी आए? दोनों ठीक है, आज दुबा आए तो मतलब बबली आए तो ठीक है, आएगा तो एक ही ना, एक ही। हाँ। तो आप एक को किस में चूज करते हो? दोनों बबली को। बबली जी को कि उन्होंने काम किए इस वजह से? मतलब बदलाव चाहवा। अच्छा, बदलाव चाहते हैं आप, मौजूदा विधायक से संतुष्ट नहीं हैं आप? नहीं, काम नहीं किया। किसी को डाल दो, 70 साल हो गए उन्होंने तो वोट डालते, काम तो मेरे को नहीं। नहर में पानी देख लियो, शिक्षा देख लियो, गांव का गंदा पानी की देख लियो, निकासी देख लियो, कोई गली कितनी हुई है, 4 गली मिली है डाने को। अच्छा। हाँ, मतलब काम नहीं हुए यहाँ पे। अध्यक्ष है वो तो वो कमेटी को, आपकी पार्टी को, हमारा अध्यक्ष नहीं है वो। आज गांव के सरपंच ने भी नहीं, आज हमारे पास मौका है किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, अधिकार है, बिल्कुल है। बस। तो आप बराला जी को भगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो कौन टक्कर दे पाएगा उन्हें? बबली का ही लगा हमारा तो विचार। बबली जी, देवेंद्र बबली, क्या कारण है? कारण ये है कि थोड़ा सा मतलब माहौल जनता का उन्हीं की तरफ दिखाई दे रहा है, ये पक्का तो पता नहीं है। अच्छा, तो आपको 2 कैंडिडेट दिख रहे हैं टोहाना में, बबली जी और सुभाष बराला जी, पर बराला जी का तो आप कह रहे हैं कि सफाया? बराला तो दिखेगा नहीं जी, मतलब उसको परमवीर को बोलो या जेजीपी को बोलो। अच्छा, तो आपके गांव में फिलहाल बराला जी का पत्ता साफ? हाँ, पत्ता साफ है जी महाराज, ना तो पानी चलाया नहर का जी, ना कोई गांव की निकासी, गंदा नाला चल रहे हैं, बाढ़ को चल रहे हैं, इस जोड़ी में पानी आता है जी, और साथ में पशु पीते हैं और सारे गाँव का गंदा पानी इसमें आता है, उसकी निकासी नहीं कर सके 5 साल में, और क्या करेंगे जी। इसी गांव से आप? हाँ जी, इस गांव से डाणी बोल रहा हूँ। तो क्या लगता है बराला जी इस बार आएंगे जाएंगे आपके गांव में, क्या है? आया तो है बराला। नहीं, माहौल क्या है इस बार इलेक्शन में, बराला जी को बाय बाय करना है या फिर से वापसी लाना है? बराला सेकंड नंबर होगा। फर्स्ट कौन आएगा फिर? देवेंद्र सिंह बबली।
क्या कारण है देवेंद्र सिंह बबली का? एक तो माहौल, मान लो जेजेपी में ज्वाइन करिए, एक खुद के वोट, उसके पर्सनल समाज सेवा के हिसाब से भी वोट है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस बार टक्कर बबली देगा, हर ज्यादा वोटों से जीतेगा? इसी गांव से आप? इसी गांव से। तो क्या लगता है, इस बार सुभाष बराला जी वापसी करेंगे या बाय बाय हो जाएंगे यहाँ से? वैसे तो बाय बाय हो जाने चाहिए, क्योंकि विकास हमारे गांव में अध्यक्ष होते कुछ नहीं किया, सारी कोई गलियां हैं, गांव के काम हैं, विकास की कार्य हैं, वो बिल्कुल ठप पड़े। यहाँ तो काफ़ी लोगों से उम्मीदें थी, क्योंकि हमारे गाँव के रिश्तेदार थे बराला साहब, लेकिन काम नहीं किया। तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा? शायद तो नहीं, बराला साहब मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है किन के, अब तो बबली और परमवीर दोनों की टक्कर चलेगी। अच्छा, बराला जी का पता साफ है? बराला साफ, तीसरे परमवीर जी और आप बता रहे हो बबली जी, इनकी टक्कर कैसे? क्योंकि परमवीर पुराने विधायक रहे हैं टवाणा से, उनके पिताजी कृषि मंत्री रहे हैं और उन्होंने काम अच्छे किए लोगों के लिए, कि कोई किस्म की उसके अंदर कमी नहीं आई। हमारे यहाँ नहर लगती है, उसमें पानी बहुत बढ़िया चला उसकी सरकार में, काम भी अच्छे हुए, लोगों को नौकरी भी मिली, अब तो है कुछ भी नहीं मिला। तो मतलब आप कह रहे हो कि इस बार हम विधानसभा टोहाना में, विधानसभा चुनाव में देवेंद्र बबली और परमवीर जी की टक्कर देखने को मिलेगी? हाँ। बराला जी को तो पता साफ है, साफ है, बिल्कुल क्लियर है, इनकी टक्कर होगी, इनमें से थोड़े 5 या 4 हज़ार वोटों की जीत होगी। हमारे गांव के अंदर डाणी गोपाल चौपटा जाट आरक्षण हुआ, जाट आरक्षण में बीजेपी ने जाति पाति को लड़ा करके कुछ नहीं किया, सिर्फ जाति पाति के सिवा। जाट आरक्षण के अंदर बराला ने जाटों की कोई मदद नहीं की, क्योंकि अध्यक्ष होते हुए इनको सब कुछ करना था, लेकिन लोग जेल के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। अगर इनकी सरकार आ गई बीजेपी की, तो जाटों की सजा होगी। इसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी मदद बिल्कुल नहीं की गांव की, और अब लोग बदलाव चाहते हैं। ये जो आरक्षण के ऊपर इन्होंने बहुत जाति भेदभाव किया है, यानी प्रदेश अध्यक्ष होते हुए, गांव का रिश्तेदार होते हुए, इन्होंने यानी बहुत ही वहां जाके तुच्छ बातें कही स्टेज के ऊपर, इसी कारण इनका माइक भी पकड़ा गया एक बार। तो इन्होंने यानी कि सर्वे के आधार पर इनको आरक्षण देना चाहिए था, जो कि देने की बजाय इन्होंने जेलों में डाला। यहाँ के 8-10 बच्चों में केस भी चल रहे हैं, अभी बुजुर्ग भी हैं उसमें शामिल, तो वो जेलों में भी जा भी चुके हैं, तो केस हटाने की बजाय उन पर केस थोपा गया, जो कि एक ये कोई मसला नहीं था ऐसा, तो इस पे विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया इन्होंने। साचला के निवासी जिनका कहना है कि इस बार सुभाष बराला जी का इनके गांव से बाय बाय है। तो इसी तरह बने रहिए एवन हरियाणा के साथ, मैं ममता यादव, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा।